नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है बर्ड्स से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज के बारे में, यानी बर्ड्स में कुछ ऐसी बीमारी होती है जो रेड फ्लैग्स कहते हैं, यानी जैसे लाल झंडा एक खतरे का साइन होता है। तो बर्ड्स में कुछ ऐसी बीमारी होती है जिनके सिम्टम्स की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि यदि आप उनमें से कोई भी सिम्टम्स आप देखते हो तो तुरंत आप उसको पहचान करके उसकी समय रहते आप जो उसकी जाँच कर लीजिए या उसका समय रहते उपचार कर लीजिए। ये जो रेड फ्लैग्स हैं, ये पांच तरह की बीमारी होती है बर्ड्स में। मैं एक एक करके उन सभी के डिटेल्स में जो है आपको बताऊंगा। जो सबसे पहले होती है एवियन फ्लू या बर्ड्स फ्लू। बर्ड्स फ्लू आपने देखा होगा, जब भी बर्ड फ्लू एक आता है महामारी के रूप में ये बीमारी आती है। ये मोस्टली जो बीमारी है मोस्टली माइग्रेटरी बर्ड्स के थ्रू आती है, यानी जो माइग्रेटरी बर्ड्स इंडिया के अंदर आते हैं वो ये बीमारी जो है फैलाते हैं। एवियन फ्लू के जो है 25 स्ट्रेन जो है नोटिस किए गए हैं, और इसमें से एक स्ट्रेन ऐसा है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, जो इंसानों में बीमारी फैलाता है। H5N1 एक ऐसा स्ट्रेन है जिसकी वजह से इंसानों में काफ़ी बीमारी होती है, और काफ़ी देखा गया है कि काफ़ी खतरनाक रूप धारण कर लेती है जब बीमारी आती है। माइग्रेटरी बर्ड्स का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके संपर्क में यदि मनुष्य आता है तो इस वायरस को कैच कर लेता है, यानी ये जेनेटिक इंपॉर्टेंस के लिए एवियन फ्लू जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जंगली पक्षियों को यदि हम डायरेक्ट अपने बर्ड्स के अंदर मिक्स कर लेते हैं वो भी हम एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि वो बर्ड्स जो है डिजीज के कैरियर होते हैं और हमारे सभी बर्ड्स में जो इन्फेक्शन फैला कर देते हैं, और साथ में हमारे लिए भी वो काफ़ी रिस्की होते हैं। इसलिए ऐसी कोई भी गलती ना करें, किसी भी वाइल्ड एनिमल्स को अपने जानवरों में कभी भी ऐड ना करें, किसी भी बर्ड्स को। दूसरी जो रेड फ्लैग्स में आती है खतरनाक होती है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स दो तरह के होते हैं बर्ड्स के अंदर, देखा एक एक्सटर्नल पैरासाइट्स और इंटरनल पैरासाइट्स। आपको इन दोनों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं बर्ड्स की बॉडी के ऊपर आप सुपरफिशियल देख सकते हैं, इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं बर्ड्स के अंदर इंटेस्टाइन ट्रैक्स वगैरह पाए जाते हैं। मैं इन दोनों के बारे में बताऊंगा कि किस तरह के पैरासाइट्स होते हैं और किस तरह की डिजीज जो है पक्षियों में फैला सकते हैं। कुछ पैरासाइट्स का यदि समय रहते ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये पैरासाइट्स इतने खतरनाक होते हैं कि आपके बर्ड्स को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मनुष्य को या हमें बर्ड्स पालने वालों को इन पैरासाइट्स की पूरी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला जो पैरासाइट्स है एस्परजिलस, आपने देखा होगा एस्परजिलस जो पैरासाइट्स है बर्ड्स के रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा पैरासाइट्स है, जो कि बर्ड्स के रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्रभावित करता है। रेस्पिरेशन से रिलेटेड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, उसको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होगी, डायरिया के सिम्टम्स, वेट लॉस और नेजल डिस्चार्ज जैसे सिम्टम्स जो है आपको एस्परजिलिसिस के इन्फेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह का कोई भी सिम्टम्स आप जैसे ही आप नोटिस करते हो आप उसको तुरंत उस बर्ड्स को सेपरेट करके अपने किसी नियरेस्ट वेट को दिखाइए, उसका तुरंत उपचार करवाइए, वरना आपके सभी पक्षी जो है ऑटोमेटिक इससे प्रभावित हो जाएंगे। एंटीबायोटिक के द्वारा प्रयोग करके आप जो है इस इन्फेक्शन को आप यदि समय रहते कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा जो पैरासाइट्स है वो जीआरडीसी। जीआरडीसी के जो इन्फेक्शन होता है बर्ड्स के इंटेस्टाइन में एक पैरासाइट्स पाया जाता है जो कि बर्ड्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। उसमें क्या है, बर्ड्स में डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे या वीकनेस के सिम्टम्स, फैदर प्लकिंग के सिम्टम्स भी जो है आपको जीआरडीसी में आपको बर्ड्स में देखने को मिलेंगे। बर्ड्स के पेट में यदि वॉर्म्स एक्सेस में हो जाते हैं और आपका बर्ड्स बहुत ज़्यादा एक एक करके फर निकाल रहा है तो आपको ऑटोमेटिक अंडरस्टूड समझ जाना चाहिए कि आपके बर्ड्स की जो है इंटेस्टाइन के अंदर काफ़ी सारे वॉर्म्स हो गए, और वॉर्म्स की वजह से जो बर्ड्स जो है आपका इस तरह के सिम्टम्स या इस तरह की जो है हरकतें कर रहे हैं, अपने फैदर्स को निकालना शुरू किया है, उसका इमीडिएट जो है आप उसके बर्ड्स की डिवॉर्मिंग कीजिए, उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है, डॉक्टर को दिखाइए और समय रहते जो है उसका इलाज करवाइए। जीआरडीसीस का जो इन्फेक्शन है बजरीगर, कॉकटेल और मकाऊ पक्षी में बहुत कॉमन पाया जाता है, इसलिए आप जो लोग इस तरह के पक्षी पालते हैं उनको काफ़ी सतर्क रहने की जरूरत है। दूसरा, जेनेटिक इंपॉर्टेंस से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बर्ड्स में इन्फेक्शन है तो ह्यूमंस भी इस इन्फेक्शन को कैच कर सकता है। पैरासाइट्स में जो अगला जो इन्फेक्शन है वो बजरीगर पक्षी में सबसे कॉमन देखने को मिलता है। बजरीगर के फेस पे स्केली माइस फैट इन्फेक्शन, यानी बर्ड्स के फेस के बजरीगर के फेस पे माइट्स का इन्फेक्शन होता है, जिसकी उसकी फेस के आसपास के चीक्स के आसपास के पूरे बाल जो उड़ जाते हैं वहाँ पे स्किन रेड कलर के पैचेस आपको दिखने हैं। इस तरह का कोई भी सिम्टम्स है आप तुरंत अपने बर्ड्स को डॉक्टर को दिखाइए, उसका समय रहते ट्रीटमेंट करें। यानी कुछ ये पैरासिटिक जो मैंने चार पांच तरह के बताई ऐसे अलार्मिंग साइंस आपके बर्ड्स में इस तरह का कोई भी सिम्टम्स आप नोटिस करते हो आप जरा सी भी बिना देर करें आप अपने बर्ड्स को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं, समय रहते उसका ट्रीटमेंट करा के आप अपने बर्ड्स में नुकसान होने से आप बचा सकते हो। तीसरा जो रेड फ्लैग डिजीज होती है, खतरे वाली जो घंटी होती है, एक PBFT डिजीज होती है जो बर्ड्स में एक वायरल इन्फेक्शन होता है। ये मोस्टली मैकाऊ पैरेट्स वगैरह में देखने को मिलता है, पैराकीट्स या तोते प्रजाति के जितने भी पक्षी होते हैं PBFT वायरल का सिम्टम सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसको भी यदि समय रहते आप बचाव कर सकते तो बहुत अच्छा है। इसमें
वायरल डिजीज है, इसलिए ट्रीटमेंट कोई नहीं है। आप इसको बर्ड्स को हेल्दी डाइट देकर केवल आप उसको रिकवर करने में आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। अगला जो है रेड फ्लैक्स डिजीज, जिसको कहूँगा, जो खतरनाक बीमारी होती है बर्ड्स में, एग बाइंडिंग की होती है मोस्टली, क्योंकि एग बाइंडिंग फीमेल से रिलेटेड है। फीमेल्स जो बर्ड्स होती है उसमें एग से रिलेटेड यदि कोई समस्या होती है और समय रहते आप अपने बर्ड्स को नहीं पहचान पाए, एग बाइंडिंग किन में होगी, या तो बहुत यंग एज की यदि कोई फीमेल है फर्स्ट टाइम एग ले कर रही है, या ओल्ड एज की जो फीमेल्स है यदि वो एग ले कर रही है, उसमें क्या है बर्ड्स के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो है अंडा फंस जाता है, अंडा बाहर नहीं आ सकता है। उसका रीजन ये होता है कि बर्ड्स की डाइट में कैल्शियम की कमी होती है, उसकी वजह से वीकनेस काफ़ी आ जाती है, बर्ड्स उस एग को बाहर पुश नहीं कर पाती है। तो आप समय रहते यदि इस सिम्टम्स को आप नोटिस कर सकते हो तो आप अपने बर्ड्स को जो है नुकसान होने से आप बचा सकते हैं। इसमें जो बर्ड्स में आप सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, पक्षी जो है जोर जोर से सांस लेता है, जोर जोर से सांस इस लेता है पक्षी उस अंडे को बार बार बाहर पुश करने की कोशिश करता है, पक्षी जो है अपना पेट फुला के बैठ जाता है, पक्षी का जो बैलेंस गड़बड़ा जाता है, यानी पक्षी जो है परची से उतर के नीचे आ जाता है, एक कोने में जाकर के बैठ जाता है, और क्योंकि पक्षी बार बार प्रेशर लगा रहा है तो उसमें कई बार क्या लेमनेस के भी सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पक्षी की जो पैरों की जो वेन्स या नर्व्स होती हैं वो बार बार प्रेशर की वजह से इतनी थकान हो जाती है कि पक्षी जो उसमें लंगड़ाना शुरू कर देता है कई बार। तो लेमनेस के सिम्टम्स यदि आपको दिख रहे हैं, बॉबिंग ऑफ द टेल, अपनी टेल्स को बार बार ऊपर नीचे करेगा, इस तरह का कोई सिम्टम्स है तो आप ये मान के चले कि आपका पक्षी जो एग बाइंडिंग के चपेट में आ चुका, उसे तुरंत जो है ट्रीटमेंट की जरूरत है। एग बाइंडिंग जो है फर्स्ट टाइम जो फीमेल एग ले करती है उसमें होती है, या प्रोटीन की डिफिशियंसी यदि डाइट में है उसकी वजह से भी होती है। यदि एग बाइंडिंग का कोई सिम्टम्स आपके बर्ड्स में है तो ऑटोमेटिक आप उस बर्ड्स को यदि समय रहते आप डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर को है उसको सर्जिकली रिमूव करके एग को रिमूव कर देते हैं और आपके जो है पक्षी की जान बच सकती है। उसके अलावा यदि आप अपने बर्ड्स को रेगुलर डाइट में कैल्शियम देते रहेंगे तो काफ़ी हद तक जो है इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। कैल्शियम ब्लॉक्स हमेशा बर्ड्स के पिंजरे में होना चाहिए ताकि बर्ड्स अपनी डाइट के साथ साथ एक्स्ट्रा कैल्शियम भी लेते रहे, ताकि इस तरह की कोई समस्या आए ही नहीं। जो सबसे ज्यादा, ये बीमारी नहीं कहूंगा लेकिन एक रेड फ्लैग्स है, यदि आपका पक्षी रेगुलर तनाव में रहेगा तो आप ये मान के चलिए तनाव एक ऐसी चीज है आप उसको महसूस नहीं कर सकते, लेकिन एक रेगुलर लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद यदि आपका पक्षी तनाव में है तो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाना शुरू होता है। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य ना करें कि जिससे आपके पक्षी को तनाव महसूस हो। पक्षी को हमेशा एक अच्छा खुला एनवायरनमेंट दें, पीने को साफ पानी दें, रहने को अच्छा मकान दें, और उसके घर के अंदर जो है रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए, यानी झूले वगैरह जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से होना चाहिए ताकि पक्षी किसी तरह के स्ट्रेस में ना गुजरे। आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया रेड फ्लैग्स, यानी वो पांच बीमारियां जो कि बर्ड्स में बहुत ही खतरे की निशानी होती हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।